करते हैं बैक। अब आते हैं लाइट्स पे, इस पे हम करेंगे क्लिक लाइट पे। L1, L1 का मतलब है वो जो हम जब दरवाज़ा खोलते हैं, जब यहाँ पे फुट के पास जो लाइट जलती है, ये जो लाइट जली है ना, ये अगर आप इसको बंद करना चाहो तो इस पे जाके आप बंद कर सकते हो। SL1 पे बंद हो जाएगी, SL2 पे चालू है, ठीक है। बैक करेंगे हम। अब L2 का ये है, जब से हम थोड़ा सा इसको लीवर नीचे हो जाता है तो इंडिकेटर 3 बार ब्लिंक होके बंद हो जाता है। ये लेन चेंज करने के बेस उस लेन चेंज करनी हो तो उसके काम आता है। अगर आप इसको बंद करना है L2 पे क्लिक करके SL2 पे करके, मतलब इसको पुश कर देना, वो अपना बंद हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि जले तो SL1 पे ही हम छोड़ देंगे, इसे पैक कर देंगे। और अब लाइट में कुछ पता नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी। अब करेंगे इस पर क्लिक, ये S2 पे हम करेंगे फिर से क्लिक SL1। अगर आप चाहते हो कि आपके जो शॉक सेंसर होते हैं कि गाड़ी को पार्किंग में खड़ी है कोई छेड़े तो वो सायरन बजाए, और कोई भी ऐसे करके थोड़ा सा मार दे तो सायरन बजाए, तो आप चाहते हो तो इसको SL1 पे क्लिक कर दो। अदरवाइज़ SL2 पे जो हमने कर रखा है वो करो, क्योंकि हमारे पास पर्सनल पार्किंग तो है नहीं, आती जाती मतलब कोई भी टच कर जाता है तो ये बार बार करेगी, इसलिए हमने इसे बंद ही कर रखा है। अगर आपको चाहते हो कि ऑन हो जाए, आपके पास पर्सनल पार्किंग है, तो आप इसको SL1 पे क्लिक कर दो, ठीक है। देख लेते हैं SL1 SL2, बस बैक, ठीक है। अब ये S3 में है, S3 में ये है लेवल, मतलब कि कितने ज़ोर से मारने पे ये सायरन बजाएगी, मतलब इसको आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ये धीरे से मारने पे बजेगी। इसका हाईएस्ट है 14, देख लेते हैं। ये इसके सारे लेवल्स हैं, मतलब कितना, जब 1 पे होगा तो मतलब आप उसको थोड़ा ज़ोर से मारना पड़ेगा, और जब 14 पे होगा तो ये अपना मैक्सिमम है, ये 15 है मैक्सिमम। वैसे अगर आप मतलब चाहते हो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो तो कर सकते हो आप इसको 15 पे, वरना हमने तो बंद ही कर रखा है। बाकी बैक। अब S4 पे हम करेंगे क्लिक, तो ये है फुल ब्लास्ट वार्निंग की, फुल जान के साथ ये अपना वो करेगी। इसके लेवल चेक कर लेते हैं हम। इसके भी 15 तक ही है। अब देखते हैं बैक। अब चलो मैं ना करके दिखाता हूँ आपको। चलो मैं सायरन एक बार ये ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे परफॉर्म करता है। SL2 पे क्लिक, SL2 पे नहीं बजेगा, SL1 पे सक्सेस कर दिया, ठीक है। बैक, SL3 पे कितने पे सेट है, ये बिल्कुल हाई पे सेट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा परफॉर्म करेगा ये। S4 वाले पे भी, S4 को भी सेट कर ही लेते हैं। वैसे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होके आती है, अगर आपने S2 वाले पे ही आपने ऑन कर दिया है उसको, तो ये अपने आप सेटिंग्स ले लेगी कि कितना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही 14, पहले 14 पे आई S3 वाले पे, अब ये देखो 9 पे आ रही है, तो हम इसको इतने पे छोड़ देते हैं। वैसे इसकी भी 15 ही है हाईएस्ट, मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना होता है। बैक करके बंद
चाबी लेके हमने कर दी लॉक। अब मैं आपको दिखता हूँ हमारा सायरन और कहाँ कहाँ मारने पे आएगा। सेंसिटिव पीछे नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, शायद आगे फिर उस पर ही होगा। देखते हैं यहाँ पे आगे पे ही आ रही है, पीछे क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे ORVMs में यहाँ भी नहीं आ रही, थोड़ा तेज मारने पे आ रही है। अनलॉक किया हमने गाड़ी, अब हम बंद कर देंगे वो हमारा सिक्योरिटी फीचर क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि बजे SL2 पे SL2। अब हो गए बंद, अब हम जाते हैं बैक। अब आता है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जैसी हमने जो भी अभी सेटिंग करी है वो सारी खुद चेंज हो जाए, जैसी गाड़ी कंपनी से आती है जिस सेटिंग्स में उसमें आ जाए। अगर आप चाहते हो डिफ़ॉल्ट पे करना तो मतलब डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हो कि आप कोई गलती से सेटिंग्स वेस्टिंग आपने छेड़ दी हो। तो बस इसमें इतने से ही फीचर हैं, बस एंड। हाँ जी, तो बस ये और इसकी ORVMs, ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि ये जो ORVMs हैं ये हाई और मिड वाली में, हाई वाली में ये आपको यहीं से फोल्ड और अनफोल्ड करने पड़ेंगे। और जो प्रीमियम वाला वर्जन होता है उसमें आपको इसको सेट कर दोगे मिडल पे, जैसे आपने मिडल पे सेट कर दिया ऊपर का नीचे का, ये मिडल पे आपने सेट कर दिया ना, तो अगर आप गाड़ी लॉक करोगे तो आपके खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, अनलॉक करने पे खुद ब खुद चालू हो जाएंगे। इन वाले मॉडल्स में नहीं आता ये। तो MID के सीक्रेट फंक्शंस के लिए बस इतना ही। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।